इसी जगह को देखने के आने का इंतजार था या पहले आप इन जगहों को देखे गौर से? मेहंदी मेरे साथ मौजूद है। देखो ये वो जगह है जो दरिया का पानी जो है काट रहा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो दरिया जो है वहाँ से काटा इसने, वहाँ से काट कर यहाँ पे इसने हिट किया और यहाँ से ये चन हो गया है। पानी कम हो जाने वाला, ये पानी ये ऊपर छलांग लगा कर ये ऊपर आगे गया है और थोड़ा कम होकर इस तरफ बेंड हो गया है। तो इसके बारे में मेहंदी मजदूर साहब थोड़ा पहले आप चंद जुमले इरशाद फरमाए, उसके बाद में बोलूँगा। बिल्कुल सर, इस वक्त हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं और हुकूमत वक्त खुसूसन हमारे बल्तिस्तान में जितने भी लीडर हैं वो इस वक्त ख्वाब गफलत में हैं। अगर आप यहाँ आके इधर देखे इधर है इसी पे आके क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत बड़ा, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है सर। यहाँ पे देखने के बाद हमें लगता है कि ये जो पूरा जो एरिया है वो दरिया ने काटा है और दरियाई जो पानी है उसमें अगर हम देखें तो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, उसके बहाव में इजाफ़ा हो रहा है और कटाव में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और दरिया का रुख इस वक्त बिल्कुल कतना साइड पे है, यानी उसका जो टारगेट है वो बिल्कुल इस वक्त हमें लग यही रहा है कि कतना है सुंदूस के बाद, ठीक है नहीं है। और हज़ारों दरख्तान दरिया बुर्द हो चुके हैं, बहुत सारे नुकसान लोगों को, आप जो हमारे खुसूसन सुंदूस के जितने भी जिनके यहाँ पर ज़मीनें हैं उनको बहुत बड़ा बहुत सारे नुकसान उनको अब तक उठाने पड़े हैं और यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अगर हुकूमत वक्त और हमारे जितने भी लीडर हैं वो वक्त इन द निक ऑफ टाइम अगर वो फैसला नहीं लेते, इकदाम के लिए अगर इकदाम नहीं करते, इकदाम नहीं उठाते, तो इस वक्त इसका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है हमारे लिए, खुसूसन कल्पना वालों के लिए। तो हम हुकूमत वक्त से हमारे जितने भी लीडर हैं बल्तिस्तान में उनसे हम यही अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि वो बहुत ही जल्द, जितना हो सके जल्दी इकदाम उठाए और बहुत बड़े डिज़ास्टर से हमारे जो विलेज है खुसूसन कल्पना और सुंदूस उसको बचाने में अपना अहम किरदार अदा करे। जी सर, तो अभी इस वक्त पीटीएम नाम के नाम से एक इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, पीपल पार्टी और नून लीग, ये तो हुकूमत इनके पास है। और हमारा पीपल पार्टी के साथ आबो अजदाद से मोहब्बत का रिश्ता चला रहा है, इनकी हुकूमत भी है, अब इनका गवर्नर भी इनका बन गया है। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो ये पीपल पार्टी से नून लीग का इंशाल्लाह इस एरिया से तो जनाजा इस एरिया से तो निकलेगा। ये आप लोगों के लिए इम्तिहान है, अगर आपने इस पर अमली काम किया, ये पानी थोड़ा कम होने के बाद अक्टूबर में काम किया तो इंशाल्लाह पीपल पार्टी के साथ जो हमारा रिश्ता है आबा अजदाद का, हम इनको वोट देते हुए आए हैं और ये जो नून लीग के जितने भी यहाँ पर सपोर्टर हैं, अगर नुमाइंदे हैं, इनको अगर आगे भी इलेक्शन में आना है तो यहाँ पे आकर काम करिए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी ये पीपल पा ये जो नून क्या कहते हैं पीटीआई, अभी इनकी एक नई हुकूमत बनी है, अभी इनकी क्या कहते हैं वफा में इनकी हुकूमत नहीं है। हम ज़्यादातर पाकिस्तान के इलेक्शन में इसी पीपल पार्टी और नून वालों ने आए हैं, 48% पीपल पार्टी आए हैं, अब तक पाकिस्तान के सियासत में 52% दूनिक आए हैं। हमने इनको हमारा अजदान इनको वोट दिया है, तो आप लोगों के ये इम्तिहान है कि अगर इसको आप कुछ अमली काम अगर आप करने पे आए तो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। आप वहाँ पर ये जो पहाड़ है, बड़ी बड़ी मशीनें लाए, आप उस पहाड़ को उस पत्थर को तोड़ कर वहाँ से दरिया में फेंके और पानी को आपके इस तरफ टर्न करें, बिल्कुल पानी का रुख टर्न करें, इसी इसके बगैर कोई मतलब, अगर आप यहाँ पे कुछ करेगा तो ये पानी आके बहा के ले जाएगा। वाहिद हल ये है कि आप वहाँ पर पत्थर काटें, वहाँ पर वहाँ से बंद करें, पानी को उस तरफ टर्न करें। तो मेहंदी मजदूर साहब मजीद आखिर में आप इनको तो बिल्कुल सर, हमारे लीडरों का, हमारे माजरत के साथ हमारे लीडरों का, नुमाइंदों का यही मसला है कि इलेक्शन के दौरान आते हैं, गुंडे टेकते हैं वोट के लिए और इस तरह के जितने भी डेंजरस सिचुएशन और प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में जब आते हैं तो ये लोग यहाँ पे आके अमली मैदान में आके इकदाम उठाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है।
तो अब वो वक़्त गुजर गया जब लोगों में शऊर नहीं थे, आप लोग आते थे वोट मांग के ले जाते थे, अब इस तरह से अब नहीं चलेगा। लोगों के अंदर शऊर आ गया है, इल्म आया है, आगाही आया है। जब तक आप लोग सही तरीके से अमली मैदान में आके इस तरह के सिचुएशन में काम नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान से नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक इस बार आप वोट नहीं मिलेंगे किसी को। यहाँ पर आके आप लोग देखें, सिचुएशन को देखें, और जितनी जल्दी हो सके, अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है, नुमाइंदों से हम अपील करते हैं कि आप लोग किसी जितने आप हो सके जल्दी आप लोग इकदाम उठाए, और ये जो डिज़ास्टर अभी होने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आप लोग इकदाम नहीं उठाए तो उनसे आप किसी, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है हमारे लिए। आप लोगों से हम अपील करते हैं कि आप बहुत जल्द इकदाम उठाए, और बहुत बड़े जो डिज़ास्टर आने वाले हैं उनसे हमें बचाए, खुसूसन सुंदुस और कापना वाले हज़ारों कनाल यहाँ पे दरियाबुर्द हो चुके हैं, दरख्तान दरियाबुर्द हो चुके हैं, और मजीद दरियाई जो कटाव है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, पानी लोगों में खौफ हरास फैल रहा है। बिल्कुल है सर, बच्चे डर रहे हैं, खवातीन डर रही है, हम ये इलाके जो है डर रहे हैं, कहीं ये पानी हमारी तरफ तो ना आ रहा है, पानी यहाँ पर आ रहा है। तो आपने इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, हमें हमारे नुमाइंदों से इतना बेजमीर भी नहीं है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ही ये पानी ख़त्म होगा आप वज़ीर आला को यहाँ पे बुला के लाए। बिल्कुल सर, हम गवर्नर कहते हैं कि गवर्नर के लिए अख्तियार नहीं है, आप वज़ीर आला से बात करें, आप कोई घरान के ऐलान करें, अगर आपके पास अख्तियार नहीं है तो आप कोई बड़े पैकेज के ऐलान तो कर सकते हैं, आप वज़ीर आला से बात कर सकते हैं, वज़ीर आला आगे वफा में बात कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो ये पहाड़ों को आबाद कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बात यही कि खलूस और हमारे दर्द रहने वाला कोई आदमी हो, अभी आपके लिए इम्तिहान है, ये इलाके यही लोग पीपल पार्टी है तो यही इलाकों से जीत रहे लोग, कुआड़ो कटपना रंगा जसना यही चीज हक नंबर, तो यही लोग वोट देकर या पीपल पार्टी जीत रहे हैं या धुंधी वाले जीत रहे हैं, यही लोग हैं सपोर्टर इन दोनों के। अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो आपको भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हरास फैले हुए हैं यहाँ पे, सिचुएशन डेंजरस है हमारे लिए, हम इस बार आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यही इम्तिहान का वक्त है, आप लोग तो जितनी जल्दी हो सके इकदाम उठाएंगे और बहुत बड़े डिजास्टर से इन दोनों विलेज को, खुसूसन सुंदुस और कतपना को आप बचाएंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।